Okay, good morning students. Now we will discuss about today the most important topic, that is the acceleration due to gravity. ठीक है? क्या बोलेंगे हम? Acceleration due to gravity. यहाँ पे इसका बोलेंगे acceleration due to gravity में actually क्या होती क्या है? What is the means by the acceleration due to gravity? It is nothing but the acceleration is provided by what? Gravity. अगर मैं किसी object के ऊपर force apply कर रहा हूँ, ठीक है? If I apply some kind of a force on this object, किसी object के ऊपर force apply कर रहा हूँ, जब मैं force apply कर रहा हूँ, तो उसकी velocity कर रहा हूँ, change कर रहा हूँ। पहले इसकी velocity कितनी थी? V, sorry, u थी। उसके बाद इसकी velocity कितनी होगी? V हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? उसकी force apply करके उसकी object की velocity को change कर दिया। Object की velocity कर रहा हूँ मैं, change कर रहा हूँ। तब velocity change हो रही है, that is some kind of acceleration। तो इस acceleration को कौन provide कर रहा हूँ? मैं किसको acceleration को provide कर रहा हूँ? जितनी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो इन द सिमिलर मैनर व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट व्हाट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे अर्थ क्या लगाती है? हम लोगों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर देता हूं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। अगर मैं यहां से इसको रिलीज कर देता हूं तो वो वहीं पे थोड़ा रुक जाएगा, वो तो धीरे-धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाता हुआ क्या करेगा? नीचे ही तक चलेगा। एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। उसके अगले एक सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 19.6 मीटर पर सेकंड। उसके अगले एक सेकंड के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। कितना हो जाएगा ये? 29.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हर एक सेकंड के बाद क्या हो रहा है? इसमें एक्सीलरेशन जो है उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन का अर्थ क्या होगा? एक्सीलरेशन का काम क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन व्हाट? टाइम। तो क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी देखो 19.6 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 9.8 अपॉन व्हाट? 1 सेकंड के बाद से इनिशियल ये 0 सेकंड के लिए था, ये 1 सेकंड के लिए, 2 और ये 3 सेकंड के लिए था, ठीक है? तो देखो यहां पे चेंज कितना है। अगर ये बचा 9.8 अपॉन व्हाट बट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हुआ यहां पे? अरे अर्थ की ग्रेविटी फोर्स है, कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको जब अपनी तरफ खींच रही है, जैसे मैं इसको धकेल रहा था, इसको फोर्स लगा रहा था, तो इसकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ? अरे इसकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो सेम द सेम मैनर अर्थ अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रही है उस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार हो रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी का मूल्य वो चेंज होता जाएगा इस अमाउंट से। तो अगर मैं इसकी एक्सीलरेशन कैलकुलेट करता हूं, वेलोसिटी की हेल्प से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करता हूं, तो एक्सीलरेशन मेरे पास हर पॉइंट पे कितनी आ रही है? 9.8। तो ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड कौन करवा रहा है? अरे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉर्पोरेट फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सीलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? ग्रेविटी। कौन प्रोवाइड करवा रहा है एक्सीलरेशन? ग्रेविटी प्रोवाइड करवा रही है। समझाई बात नहीं पूरी? अब हम इसकी एक्सप्रेशन निकाल लें। एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे देखते हैं यहां पे, ठीक है? ठीक है, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया। तो हम लोगों को पता है अगर मैं यहां पे अर्थ लेता हूं, अर्थ ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट लेता हूं यहां पे जिसका मास मान लेता हूं सोलर है और अर्थ का मास मान लेता हूं वेक्टर लेंथ है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? न्यूटन के दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज कैपिटल जी एम बाय एम टू, और एम बाय एम टू की जगह हम स्मॉल एम कैपिटल एम ले रहे हैं, अपॉन हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर दोनों के बीच की सेपरेशन को बताएगा, ठीक है? यहां से लेकर यहां तक की सेपरेशन को बता रहा है। फिर भी बात ये कि यहां हाफ स्क्वायर, जबकि न्यूटन का अगर हम लॉ यूज करते हैं, कौन सा? न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर द क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो इस स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? इसको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे भाई एक्सीलरेशन तो यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है ना। मैं इसको ए को बी रिप्लेस कर दूं, इससे जी से क्या एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है ना बी, तो इस इक्वेशन के अंदर रिटन है एम इनटू जी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इफ आई इक्वेट दिस टू इक्वेशन, अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा। आपकी वैल्यू को आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन
फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ गई बात?